प्यारे विद्यार्थियों, आज हम NMMS पेपर 2020 सेट का हल प्रारूप देखेंगे। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे तथा कमेंट करे। क्वेश्चन 91। उर्वरक को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? इसमें चार वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 92। संविधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी विशेष मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य के प्रयास को क्या कहते हैं? विकल्प एक हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 93। इसमें विकल्प तीन अनुस्वर होगा। प्रश्न नंबर 94। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती। प्रश्न नंबर 95। जब एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसको पॉलीमर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96। स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है? ये फॉस्फोरस में संभव है। प्रश्न नंबर 97। किस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। प्रश्न नंबर 98। पेट एक पॉलिस्टर है। प्रश्न 99। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या बढ़ती हुई मात्रा। प्रश्न 100। किसने 1922 में महलवारी प्रणाली तैयार की? हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की। प्रश्न नंबर 101। इसमें विकल्प एक वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। नेफ्थलीन की गोलियों का उपयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है जो बनाई जाती हैं? ये कोल तार से बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 103। एक ग्राफ जो लगातार समय के साथ बदलाव को दिखाता है वो रैखिक ग्राफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो हल्की हरी परत ढक जाती है, हरा पदार्थ किसका मिश्रण है? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 105। इसमें विकल्प एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसमें विकल्प तीन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा को छोड़ता है कहलाता है दहन। क्वेश्चन नंबर 108। चूंकि धातुएं बजाने पर ध्वनियां उत्पन्न करती हैं इसलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है या ध्वनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ दवाएं सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के विकास को मारने या रोकने के लिए लागू की जाती हैं। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है या प्रतिजैविक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
110, इसमें विकल्प एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, एक कोशिका विभाजन के दौरान, विकल्प एक सही है, केंद्रक पहले या फिर कोशिका द्रव्य में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 112, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 113, एक उत्तल बहुभुज जिसकी 7 भुजाएं हैं उनके कोणों का योग 900 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें विकल्प एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, इसमें विकल्प एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, एक घोड़ा 12 दिन में 18 किलोग्राम मक्का खाता है तो वो 9 दिन में कितना खाएगा। इसमें विकल्प 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें विकल्प 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें विकल्प 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें विकल्प 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें विकल्प 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें विकल्प 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें विकल्प 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंब सम द्विभाजक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, एक त्रिभुज पिरामिड के कितने कोने होते हैं, इसके 4 कोने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें विकल्प 3 वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 126, पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध को कहा जाता है जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें विकल्प 4 वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 128, गला या लैरिक्स को कहा जाता है स्वर यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज एक खालिस्तान बच्चे में विकसित होता है पुरुष। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें विकल्प एक वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। क्वेश्चन नंबर 132, मच्छर के भिन भिनाने की आवाज़ पैदा होती है पंखों के फड़फड़ाने से। क्वेश्चन नंबर 133, अमन समान भार वाले 4 पत्थर 4 अलग प्रकार की सतह पर फेंकता है। ये 4 सतह क्रमशः बर्फीली सूखी रेतीली एवं सीमेंट की हैं। वह प्रत्येक पत्थर को समान बल लगाकर फेंकता है तो बताइए सतह पर पत्थर रुकने से पहले अधिकतम दूरी तय करेगा बर्फीली सतह पर। क्वेश्चन नंबर 134, इसका विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 135, हरियाणा में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, पानीपत में है। क्वेश्चन नंबर 136, भूकंप की निगरानी के लिए कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, अवश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, एल्यूमिनियम और आयरन दोनों ही धातु है परंतु विद्युतदर्शी की पत्तियां बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से अच्छा सुचालक है। पॉलीथीन और पीवीसी किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 139, साइकिल दौड़ में साइकिल सवार आमतौर पर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं, साइकिल सवार झुक जाते हैं क्योंकि वायु अवरोध को कम करते हैं।
पर्सन नंबर 140 अदिति को एक प्रबल विद्युत अपघटे की आवश्यकता है, निम्न में से उसके लिए कौन सा उपयुक्त है? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्वेश्चन नंबर 141 दिए गए चित्रानुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक प्रश्न नंबर 142 निरापद माचिस में प्रयुक्त होता है, एंटीमिनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 143 निम्न में से सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 144 प्राकृतिक गैस से खालिस्तान गैस का उपयोग यूरिया निर्माण के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 145 भारी ट्रक के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं दाब बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 146 आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3×10 की शक्ति 18 हर्ट्ज है, परावर्तन के बाद प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, क्वेश्चन नंबर 147 उसी में मान का सही मात्रक, इसमें विकल्प 4 सही है, क्वेश्चन नंबर 148 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 149 काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 150 एक वस्तु 15 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसमें विकल्प 4 वाला कथन सत्य होगा, ये ध्वनि पैदा करता है जिसे हम कानों पर जोर देकर सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर गए नेता थे, विकल्प 2 पोट्टी श्री रामालू। क्वेश्चन नंबर 152 ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 2 पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो निम्न ज्वार भाटा आता है, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई अपतटीय क्षेत्रों में निम्न में से किसके भंडार मौजूद हैं? पेट्रोलियम के। क्वेश्चन नंबर 154 इसमें विकल्प 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया? सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, तो इसमें विकल्प 4 वाला आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 156 इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? इल्बर्ट बिल 1883 में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 157 नीचे दिए गए देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कौन सा क्रम सही होगा? इसमें विकल्प 2 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 158 किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? महात्मा गांधी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 159 धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 मानचित्र में छायांकित किए गए क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके, वृक्षों की इन कतारों को क्या कहा जाता है? रक्षक मेखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 निम्नलिखित में से कौन सी पानी से संबंधित बीमारी है?
बीमारी है हैजा। क्वेश्चन नंबर 163, घटना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जिसमें बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, एक व्यक्ति जिसे पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता उसे निम्न के रूप में जाना जाता है, कुपोषित के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 165, किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती? विकल्प दो, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 166, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प एक पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 167, भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है, व्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 168, मैनुअल सक्वेंजिंग से आप क्या समझते हैं? हाथ से मैला ढोने का काम। क्वेश्चन नंबर 169, कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया? 300। क्वेश्चन नंबर 170, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। क्वेश्चन नंबर 171, भारत में कौन सा स्थान दुनिया के सबसे बेहतरीन ऐशकों में से एक है? राजहारा हिल्स। विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 174, भारतीय सिपाहियों की अंग्रेजों से नाराजगी थी उनके कारतूस प्रकरण नीति के कारण। क्वेश्चन नंबर 175, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 176, शांति से विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 177, 1955 में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से इनकार करने वाली एफ्रो अमेरिकन महिला कौन थी? रोजा पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 178, उच्च दाब व दाब के कारण चूना पत्थर किस शैल में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। क्वेश्चन नंबर 179, सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता का प्रकार क्या है और सरकार द्वारा स्थायी आधार पर किसे नियुक्त किया जाता है? सरकारी वकील को। क्वेश्चन नंबर 180, इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए? 29 देश शामिल हुए।